So, good evening, dear students. Today we are going to discuss about the topic that is a medieval India and the composite culture. इसमें हम जानेंगे कि कंपोजिट कल्चर के बारे में. तो कंपोजिट कल्चर एक तरह से फ्यूजन आप समझ सकते हो. फ्यूजन जनरली मिक्सचर ऑफ वेरियस कल्चर. तो वैसे हमारे पास जो सोर्सेस है, जो विजाक है, विजाक जनरली कबीरदास की जो बुक है, दैट इज कॉल्ड अ विजाक. और गुरु ग्रंथ साहिब है, यू ऑल नो अबाउट द गुरु ग्रंथ साहिब. एंड अजमेर शरीफ इज ऑल्सो फेमस इन इंडिया. यू कैन सी द दरगाह ऑफ अजमेर शरीफ एट अजमेर राजस्थान. एंड द फ्रेंड फ्रांसिस एसिसी चर्च के बारे में डिस्कस करेंगे. और आपको पता ही है वास्को डेगामा के बारे में आपने सुना होगा. वास्को डेगामा जनरली जब यूरोप से इंडिया आए थे तो वो जनरली लास्ट थर्ड ट्रिप में कोची में जनरली उनका वो उनकी वो उनकी डेथ हो गई थी. तो वहीं पे सेंट फ्रांसिस एसिसी चर्च में ही उनकी ग्रेव बनाई गई. ओके, तो इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म के बारे में और इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी के बारे में. तो हम नेक्स्ट चलेंगे स्लाइड में. तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है. नेक्स्ट स्लाइड हम चलेंगे बिजाक. बिजाक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस कबीर के बारे में बात करेंगे. तो कबीर की जो बुक है दैट इज कॉल्ड बिजाक, दैट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द वर्सेस ऑफ कबीर. तो जैसे कि हम आपको बताएंगे कि जो कबीर है वो किसके डिसाइपल है, वो रामानंद के डिसाइपल है. तो जनरली क्या होता है कि 1398 में वो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं, बट कुछ समय बाद उनकी जो पिताजी की है उनकी डेथ हो जाती है. और जो उनकी माँ होती है वो ब्राह्मण विडो होती है. और वो कबीर को लेके बनारस के पास एक टैंक के पास उसको रख देती है. तो वहां पे क्या होता है, जो वहां पे एक मुस्लिम वेवर होता था उसका नाम था नील. उसकी जो वाइफ नीमा है वो उसके बाद उन उसके वहां से उठा के लेके आती है और उनकी परवरिश करती है. तो जनरली आप देख सकते हो कि जो भी बॉर्न सिटी हो वाराणसी में. ओके, सो नाउ दिस इज इनफ, नाउ स्टॉप.